प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उत्तराखंड राज्य का दौरा, 17,500 करोड़ रुपए की 23 विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। लखवाड़ा बहुउद्देशीय परियोजना की भी रखेंगे आधारशिला। देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले बढ़कर हुए 781, संक्रमण को मात देकर 241 लोग हुए स्वस्थ। दिल्ली में अब तक सर्वाधिक 238 मामले, महाराष्ट्र में 168 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। दिल्ली में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण येलो अलर्ट की घोषणा, स्कूल कॉलेज बंद, रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू, घोषित येलो अलर्ट के कारण लागू किए गए प्रतिबंध। दिल्ली में जारी येलो अलर्ट के बाद लोगों की बढ़ी परेशानियां, मेट्रो स्टेशनों पर देखी जा रही लंबी कतारें। केरल, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम। कोविड-19 वायरस से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण जारी, अब तक 143,25,00,000 से अधिक टीके लगाए गए, 98.40% हुई स्वास्थ्य दर। पंजाब में 15 जनवरी से सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश के लिए पूर्ण टीकाकरण जरूरी, सार्वजनिक स्थलों, समारोहों, बाजारों, सार्वजनिक परिवहन व धार्मिक स्थलों पर जाने की नहीं होगी अनुमति। केंद्र ने कहा, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह चुनाव ड्यूटी कर्मी भी तीसरे टीके के लिए पात्र। चिकित्साकर्मी, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी और अन्य रोगों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिक 10 जनवरी से लगवा सकेंगे एहतियाती डोज। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, ओमिक्रॉन से बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका, बड़ी संख्या में लोगों विशेषकर जिन्हें टीका नहीं लग पाया है उन्हें अस्पतालों में करना पड़ सकता है दाखिल। लुधियाना न्यायालय बम विस्फोट का मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह मुल्तानी जर्मनी में गिरफ्तार। मुल्तानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI समर्थित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का है कार्यकर्ता। अब खबरें खेल जगत से। दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। अफ्रीकी टीम की पहली पारी 197 पर सिमटी, मोहम्मद शमी ने झटके 5 विकेट।